इस दौरान हमने पिछले 1.5 महीने में 3 सिद्धांतों के ऊपर काम किया है। पहला सिद्धांत, हमने ये महसूस किया और ये निष्कर्ष हमारा निकला कि कोरोना इतनी बड़ी महामारी है, इतनी बड़ी महामारी है कि इसको अकेले नहीं जीता जा सकता। अगर दिल्ली सरकार ये सोचती कि इसको हम अकेले जीत लेंगे तो हम फेल हो जाते हैं। इसलिए हमने सबका साथ मांगा। हम केंद्र सरकार के पास भी गए, हम होटल वालों के पास भी गए, हम प्राइवेट हॉस्पिटल वालों के पास भी गए, हम बैंक्वेट हॉल वालों के पास भी गए, हम एनजीओज के पास भी गए, हम धार्मिक संगठन वालों के पास भी गए, हम सबके पास गए। तो पहला हमारा सिद्धांत था कि इस लड़ाई को अकेले नहीं जीता जा सकता, और इसमें हमने सभी पार्टियों का साथ लिया। आज मैं सभी पार्टियों का, बीजेपी का, कांग्रेस का, सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दूसरा सिद्धांत हमने अपनाया कि जब चीजें गलत चल रही थी तो हर व्यक्ति कमियां निकाल रहा था। हमने उस पे नाराजगी जाहिर नहीं की, हमने उस पे गुस्सा नहीं किया। जो भी कमी निकाल रहा था, चाहे वो मीडिया वाले हों, चाहे कोई भी उस पे रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डालता, कोई भी कहीं से कोई भी हमें गलती बताता था, उसको नोट कर लेते थे और उस गलती को सुधारने की कोशिश करते थे। यही कारण है जिस एलएनजेपी अस्पताल के बारे में पहले जून के पहले हफ्ते के अंदर इतना इतना उसके अंदर नुक्स निकाले जा रहे थे, हमने एक 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 एक, एक नुक्स नोट किया। जिन जिन पत्रकारों ने स्टोरीज की, मैंने खुद कई पत्रकारों को फोन करके, एडिटर्स को फोन करके पूछा कि आप हमें बताइए कि कहाँ कमी है और कैसे ठीक करें, और उन कमियों को नोट करके उन कमियों को हमने दूर करने की कोशिश की। मुझे बेहद खुशी है कि जिस एलएनजेपी अस्पताल के बारे में इतनी बुराई की जा रही थी, आज उसकी इतनी तारीफ की जा रही है, और ये सारा श्रेय मैं हमारे एलएनजेपी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्सेज और उनके एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और वहां के डायरेक्टर को देना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत मेहनत की है। तो दूसरा सिद्धांत हमारा था कि हमने कभी भी जो हमारे क्रिटिक्स थे, जो हमारी बुराई कर रहे थे, उनकी बातों का बुरा नहीं माना, और उनसे हम लोगों ने अपने अपनी कमियां हम नोट करते गए और उसको ठीक किया। और तीसरी चीज, हम सब लोगों ने मिलकर हार नहीं मानी। ऐसा कोई पल नहीं आया जब हमें लगा यार अब स्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं, अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम हार मान लेते हैं तो पता नहीं कितनी मौतें हो जाती। हम लगे रहे लगे रहे लगे रहे, हमें यकीन था कि मेहनत अंत पंत में काम आएगी। सब लोग कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल, प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली मॉडल की तारीफ की कि दिल्ली मॉडल लागू होना चाहिए बाकी इलाकों में। ये दिल्ली मॉडल आखिर है क्या? इसमें सबसे पहली चीज थी, जैसा मैंने बताया, इस दिल्ली मॉडल की बुनियाद है कलेक्टिविटी, टीम वर्क, सबको साथ लेके चलना। तो हम लोग बैठे और हमने पूरी प्लानिंग की कि कहाँ कहाँ क्या क्या करने की जरूरत है, कहाँ कहाँ किस किस चीज की जरूरत है, और उस प्लानिंग में जहां जहां हमें लगा कि ये कमी है और ये हमारे पास नहीं है, ये किसके पास है, हम उसके पास गए और उससे मिन्नतें करी और हम मदद लेके आए। जैसे टेस्टिंग कम हो रही थी, हम टेस्टिंग बढ़ाना चाहते थे, लेकिन हमारी कैपेसिटी थी, दिल्ली के अंदर मैक्सिमम 10,000 टेस्ट हो सकते थे। हमने केंद्र सरकार से मदद मांगी, केंद्र सरकार ने हमारी मदद की। केंद्र सरकार ने हमें एंटीजन, सबसे पहले एंटीजन टेस्ट दिल्ली के अंदर शुरू किए गए। केंद्र सरकार ने शुरुआती टेस्टिंग किट्स हम लोगों को दी और हमने एकदम से 20,000 22,000 टेस्ट करने चालू कर दिया दिल्ली के अंदर। तो कलेक्टिविटी, टीम वर्क हमारा इस दिल्ली मॉडल का सबसे पहला सिद्धांत था। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, होम आइसोलेशन। लोगों के मन में डर था, आज भी पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर लोगों के मन में डर है कि कोरोना हो गया। एक तो कोरोना का डर है कि कोरोना हो गया तो पता नहीं क्या होगा, और दूसरा डर होता है कि कोरोना पॉजिटिव आ गया तो सरकार उठा के क्वारंटाइन सेंटर में डाल देगी, सरकार उठा के हमें किसी और सेंटर में, आइसोलेशन सेंटर में कहीं डाल देगी, अस्पताल में डाल देगी। लोगों के मन में यह डर था, कोरोना
क्वारंटाइन सेंटर का डर था, आइसोलेशन सेंटर के डर थे। जब हमने होम आइसोलेशन शुरू किया और होम आइसोलेशन का एक्सपीरियंस हम लोगों ने बहुत कंफर्टेबल कर दिया, हमारी डॉक्टर्स की एक टीम जो जो होम आइसोलेशन में सबसे पहले उनके घर जाती है, उनको सारा बता के आती है कि आपको ये एहतियात करना है, इस कमरे में रहना है, ये टॉयलेट है आपका, उनके घर का इंस्पेक्शन करके आती है, मुआयना करके आती है, सारा सिखा के आती है। उनको एक ऑक्सीमीटर दे के आते हैं कि दो दो घंटे में अपने ऑक्सीजन नापते रहना, अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो आप हमें फोन कर देना, हम आपको अस्पताल ले जाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनको जब तक उनका कोरोना ठीक नहीं हो जाता अगले 10-12 दिन तक रोज उन लोगों को फोन जाता है, डॉक्टर्स का फोन जाता है और वो उनसे पूछते हैं क्या हाल है, ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। उनको टेली काउंसलिंग की जाती है होम आइसोलेशन वालों को। इस वजह से लोगों को कोरोना होने के बावजूद भी उनका एक्सपीरियंस, लगभग 80-90% पेशेंट्स होम आइसोलेशन के अंदर आज उनका इलाज चल रहा है। दिल्ली के अंदर होम आइसोलेशन इतना शानदार तरीके से लागू किया गया कि उसकी चर्चा आज सब जगह चल रही है। इस होम आइसोलेशन का फायदा ये हुआ कि पहले लोग अपना टेस्टिंग कराने से डरते थे, उनको ये लगता था टेस्ट हुआ और पॉजिटिव आ गया तो मेरे को उठा के क्वारंटाइन सेंटर में डाल देंगे। आज भी मैं जानता हूं कि कई राज्यों के अंदर इसी वजह से टेस्टिंग नहीं करा रहे, क्योंकि वहां होम आइसोलेशन नहीं है, वहां पे जो पॉजिटिव आता है चाहे माइल्ड हो चाहे एसिम्टोमेटिक हो उसको उठा के क्वारंटाइन सेंटर में डाल दिया जाता है। तो कोई टेस्ट नहीं कराना चाहता, कोई जब तक अस्पताल जाने की मजबूरी ना, इतना सीरियस ना हो जाए तब तक कोई टेस्ट नहीं कराना चाहता, और जब वो टेस्ट नहीं कराता तो वो समाज में घूमता रहता है और 10 और लोगों को कोरोना कर देता है। तो हमने होम आइसोलेशन किया, लोगों का डर खत्म हुआ, इस वजह से लोगों ने खूब टेस्टिंग करवानी चालू कर दी।